दांत शायद किसी भूतपूर्व यात्री का था और वह समझ गया कि वह अब और नहीं रुक सकता। भले ही यहाँ बहुत सारा भोजन था, उसने जाने का फैसला किया और सीटी बजाने के बाद बाघ आज्ञाकारी ढंग से नाव में कूद गया। लेकिन जब से वे चले गए तब से किसी ने द्वीप नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। अज्ञात समय तक बहने के बाद एक आदमी और एक बाघ मैक्सिको के तट पर पहुंचे। जैक ने नाव को किनारे खींचने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया। बाघ नाव से कूद गया और उसकी खाल और हड्डियां बन गईं। वह खींचा फिर जंगल में गहरे चला गया। अचानक बाघ रुक गया। जैक ने सोचा कि बाघ उसकी ओर देखेगा, लेकिन वह गलत था। बाघ ने अलविदा कहे बिना, एक दूसरे को देखे बिना जंगल में वापस नहीं देखा। वह उसे हमेशा के लिए छोड़ गया।